मेरी पिछली ध्यान वाली वीडियो में मैंने बताया कि ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें, ध्यान के क्या क्या फायदे हैं। वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों के कमेंट आए। कुछ ने कहा कि सर, मेडिटेशन करने के दौरान मुझे अपने शरीर में बहुत से परिवर्तन महसूस हुए। कुछ ने तो यह भी कहा कि सर, ध्यान करते समय मुझे बहुत डर लग रहा था। क्या ध्यान में ऐसा होता है? क्या मैं जो ध्यान कर रहा हूँ वह सही हो रहा है? देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि हम वास्तव में ध्यान कर रहे हैं या फिर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का ध्यान हम अभी कर रहे हैं वह ध्यान ना होकर हम अपने आप को धोखा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि यह तो सत्य है कि ध्यान कोई करने वाली चीज होती नहीं है, ध्यान तो स्वतः ही होता है। अगर आप फोर्सली ध्यान करेंगे तो वह ध्यान नहीं होगा, वह एक तरह का धोखा है जो आप अपने साथ कर रहे हैं। देखिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। ध्यान क्या होता है, क्या हम ध्यान कर रहे हैं या हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। देखिए, जो लोग ध्यान के शुरुआती समय में हैं, उन्हें यह समझ लेना जरूरी है कि ध्यान और धोखा क्या है, क्योंकि वो लोग धोखे को ही ध्यान समझ लेते हैं। ध्यान और धोखा, इसको बहुत गहरे से समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान करते समय हमें धोखे बहुत होते हैं। धोखे इसलिए होते हैं क्योंकि हम ध्यान को सही से समझ नहीं पाते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा यह मानव दिमाग बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट करने लगता है। उस इल्यूजन यानी भ्रम के कारण हमें तरह तरह के एक्सपीरियंसेस महसूस होते हैं। इसका कारण है कि जब हम ध्यान को अच्छे से समझने से पहले ध्यान करने लगते हैं तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस होना स्वाभाविक है। तो अगर आपको इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, ऐसा हमारे साथ होता क्यों है? क्योंकि हमने अपना माइंड सेट किया हुआ है कि ध्यान करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आंखों को बंद करना है, फिर हमें बैठना है, सांसों पर ध्यान देना है, थर्ड आई पर ध्यान देना है, मूलाधार चक्र पर ध्यान देना है, अपने हार्ट चक्रा पर ध्यान देना है। यानी हम ध्यान करने के दौरान इन सब चीजों को महसूस करने की कोशिश करते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे थर्ड आई पर वाइब्रेशन महसूस होने लगता है, मूलाधार चक्र पर भी वाइब्रेशन होने लगता है, बहुत लोगों के हार्ट चक्रा में वाइब्रेशन होने लगता है, तो कुछ लोगों को घबराहट और डर जैसा महसूस होने लगता है। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर इस चीज को क्लेरिफाई कर लेना होगा कि ध्यान क्या है और धोखा क्या है। देखिए, इससे पहले वीडियो में आपने समझा कि ध्यान क्या है, ठीक है। ध्यान सिर्फ उसी प्रकार होगा जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया। अब हमें यहाँ यह समझना आवश्यक है कि धोखा क्या होता है। देखिए, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट कर देता है, बहुत सारे भ्रम क्रिएट कर देता है। इसका कारण है कि हम ध्यान को ठीक तरीके से ना समझकर उसे एक गलत तरीके से समझ लेते हैं और फिर उसे करने की कोशिश करते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम एक तरह से साइलेंट मोड में होते हैं। तो इस समय होता क्या है, हमारी जो नाड़ियां ब्लॉक होती हैं, तो यह एनर्जी उन नाड़ियों के ब्लॉक्स को खोलने के लिए पुश करती है। तो जब यह एनर्जी हमारी उन नाड़ियों के ब्लॉकेज को खोलने के लिए पुश करती है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे किसी विशेष चक्र पर किसी विशेष प्रकार का वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। देखिए, अगर आपके साथ वाइब्रेशन महसूस हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके शरीर में जो भी ब्लॉकेज हैं वो एनर्जी उन ब्लॉकेज को खोल रही है। यानी आप ध्यान में उतर रहे हैं। जब आप ध्यान में धीरे धीरे उतर रहे होते हैं तो इस समय आपको दो प्रकार की अनुभूतियां हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अनुभूतियां आपको प्लेजर दे रही हों, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें डर सा महसूस होने लगता है, घबराहट होने लगती है। जब हमें घबराहट या डर महसूस होने लगता है तो उस समय हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम फोर्सफुली मेडिटेशन कर रहे हैं। यानी जब आप फोर्सफुली मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो उस मेडिटेशन का कोई फायदा नहीं होता है। उस मेडिटेशन से आप सिर्फ अपने दिमाग को एक इल्यूजन क्रिएट कराने के लिए उसे फोर्स कर रहे हैं। क्योंकि मेडिटेशन का मतलब है कि आपको अपने आप ही ध्यान में उतरना है, ना कि अपने आप को फोर्सफुली ध्यान में उतारना है। क्योंकि फोर्सफुली हम किसी भी चीज को नहीं कर सकते हैं। अगर आप फोर्सफुली किसी चीज को करेंगे तो आपको डर जैसी अनुभूतियां होना स्वाभाविक है।
देखिए होता क्या है हम लोगों के साथ कि हम YouTube पर वीडियोस देख लेते हैं कि आपको ऐसे ध्यान करना है, आपको अपनी सांसों पर ध्यान करना है, आपको अपने हार्ट चक्र पर वाइब्रेशन महसूस होगा, आपकी थर्ड आई पर आपको कुछ विजुअलाइज जैसा होगा। ऐसा हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हमने पहले ही उन चीजों का एक थ्योरिकल अनुभव कर लिया है, यानी उन चीजों को हमने पहले या तो पढ़ लिया है या किसी से जानकारी ले ली है, तो उन जानकारियों को हम अपने माइंड में स्टोर किए हुए बैठे हुए हैं। और होता क्या है, ये हमारी जो मानव खोपड़ी है ये हमें इस तरह के अनुभव पहले ही प्रदान कर देती है क्योंकि हमने उसके बारे में पहले ही स्टडी कर ली हुई है, जिसकी वजह से वो अनुभूतियां हमें मेडिटेशन के शुरुआती समय में होने लगती हैं। ये आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा है, ना ही आप ध्यान में जा रहे हैं, या सिर्फ आप अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहे हैं, यानी आपने यूट्यूब पर वीडियोस देखकर मेडिटेशन की किताबें पढ़कर अपने आप को हिप्नोटाइज कर लिया है। जब आपने अपने आप को हिप्नोटाइज कर लिया है तो इस तरह की अनुभूतियां होना स्वाभाविक है। देखिए यहाँ यह बात बहुत मायने रखती है कि आप ध्यान फोर्सफुली कर रहे हैं कि ध्यान आपको स्वतः ही हो रहा है। ध्यान करने के दौरान यदि आपको प्लेजर महसूस होता है, यदि आपको लगता है कि आपको कुछ आत्म शांति महसूस हुई है, तो हाँ ठीक है, आपका मेडिटेशन एक सही दिशा में जा रहा है। परंतु जहाँ आपको ऐसा लगता है कि आपको डर महसूस हो रहा है, आपको किसी भी प्रकार की घबराहट हो रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या आपको कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है जो कि आपके हिसाब से अनुकूल नहीं है, तो आप यह समझ जाइए कि यह सब चीजें आपके ऊपर एक प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। और जब आपको ऐसा महसूस हो तो आपको उस समय मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। देखिए कभी कभी शुरुआती समय में ऐसा होता है कि जब हम ध्यान में मग्न होते हैं तो उस समय हमें ऐसा फील होता है कि हमारे थर्ड आई पर कुछ वाइब्रेशन सी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हमारा थर्ड आई ओपन हो रहा है। देखिए मेडिटेशन इतना भी आसान नहीं है, यानी अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करना इतना भी आसान नहीं है जितना आपको महसूस हो रहा है। ये सब इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि आपके अंदर बाहरी ज्ञान इतना इकट्ठा हो चुका है कि वह ज्ञान आपके मेडिटेशन पर भी हावी हो रहा है। तो सबसे पहले आप जो ये बाहरी ज्ञान ले रहे हैं उन ज्ञानों को अपने मेडिटेशन के दौरान उन पर अप्लाई ना करें। मेडिटेशन करने के दौरान आपको सिर्फ अपने मन को एकाग्रित करना है, आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं आपको उन विचारों पर काबू करना है। देखिए यह बहुत कठिन कार्य है, आपको अपने विचारों पर काबू कर पाना इतना आसान नहीं है क्योंकि आप जितना अपने विचारों पर काबू करना चाहेंगे वह उतना ही बेकाबू होता जाएगा, आप अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जब मेडिटेशन के दौरान आपके अंदर विचार आने लगें तो आपको करना क्या है कि आप पहले उस विचार को पूरा अंत तक सोच लीजिए, यानी जो भी विचार आपके अंदर आ रहा है आप उसको आने दीजिए। देखिए विचारों की भी एक सीमा होती है, आप जब उन विचारों पर बार बार ध्यान करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वो विचार आने रुक जाएंगे, तब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ध्यान में जा रहे हैं। देखिए मेडिटेशन करने का यह मतलब नहीं है कि आपको कहीं पे वाइब्रेशन महसूस हुई और आप त्रिकालदर्शी हो जाएंगे, आपको सभी प्रकार की चीजें मिलने लगेंगी, आप जो चाहेंगे वो पा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। यदि इतना आसान होता तो दुनिया में इतने लोग परेशान नहीं घूम रहे होते। देखिए मैं आपके उस सवाल का जवाब दे देता हूँ जो उन्होंने पूछा कि सर मेडिटेशन करने के दौरान मुझे डर सा अनुभव होता है और मेरे विभिन्न चक्रों पर वाइब्रेशन महसूस होने लगती है। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा का गमन ऊपर की तरफ होने लगता है, यानी जो ऊर्जा पहले नीचे की तरफ बह रही थी अब वह ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर बह रही है। जब उस एनर्जी का गमन ऊपर की तरफ होता है तो वह करती क्या है, हमारे ब्लॉकेज को खोलती है। हमारे शरीर में जो भी ब्लॉकेज हैं मेडिटेशन के दौरान वह ऊर्जा स्वतः ही उन्हें फोर्सफुली खोलने की कोशिश करती है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपके विभिन्न चक्रास पे वाइब्रेशन महसूस हो रही है, आपको कुछ डर सा या कुछ घबराहट सी महसूस होती है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगता है तो यह एक लिमिट तक ठीक है, अगर आपको लगता है कि यह लिमिट से बाहर है तो आपको उस समय मेडिटेशन बंद कर देना चाहिए। जब हमारी एनर्जी मूलाधार चक्र से सहस्त्रार्थ चक्र की ओर यात्रा करती है तो उसके बीच में आने वाले वो सभी चक्र और वो सभी नाड़ियां जो ब्लॉक हैं उनको यह एनर्जी खोलने का प्रयत्न करती है।
तो ऐसे समय में आपको कुछ एक्सपीरियंसेस होने स्वाभाविक हैं, और ऐसा हो सकता है कि आपके हार्ट चक्र, मूलाधार चक्र, सहस्त्रार्थ चक्र या थर्ड आई चक्र पर किसी प्रकार का वाइब्रेशन महसूस होने लगे। अगर आपको इस प्रकार के वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, वास्तविक जीवन में हमारे साथ क्या होता है कि हम जो कुछ भी देख रहे होते हैं वो हम बाहरी तौर पर कर रहे होते हैं, यानी जो ऊर्जा का बहने का स्तर है वह बाहरी तरफ होता है। जिस प्रकार हम अपनी आंखों से इस सृष्टि को देख रहे होते हैं तो यहाँ पर ऊर्जा का जो गमन है वो बाहर की तरफ है, हम बाहर की तरफ अपने एनर्जी को प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन मेडिटेशन करने के दौरान यह ऊर्जा हमारे आंतरिक रूप में गमन करती है, और जब यह ऊर्जा हमारे आंतरिक रूप में गमन करती है तो इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस होने स्वाभाविक हैं। आपको यहाँ डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर इस प्रकार के अनुभव आपके हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर यह समझना सिर्फ जरूरी है कि जो यह एक्सपीरियंसेस या अनुभव आपको हो रहे हैं यह सिर्फ आपकी नाड़ियों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए हो रहे हैं, ना कि आपको किसी प्रकार का ज्ञान हो गया है। यानी अगर आपके थर्ड आई पर वाइब्रेशन होती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एक या दो बार मेडिटेशन करने पर ही आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है। यह सिर्फ आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो नाड़ियों में ब्लॉकेज हैं वो ब्लॉकेज इस एनर्जी के द्वारा खोले जा रहे हैं, इसलिए आपको इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। मेडिटेशन करते समय प्लेजर मिलता है, एक अलग प्रकार का आनंद, खुशी मिलती है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो वेल एंड गुड, आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, यह वीडियो जब आप 2 से 3 बार देखेंगे तभी आपको इस वीडियो में बताई गई चीज़ें ध्यान से समझ में आने लगेंगी। अगर आप इस वीडियो को उड़ी हुई निगाहों से देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको यह समझ में नहीं आया होगा कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा। आपको सिर्फ इस वीडियो में यह बताया गया कि ध्यान और धोखे में फ़र्क क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियोज़ आपको ध्यान में मदद करती होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके जो भी प्रश्न हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।